खंडवा के शिवाजी चौक क्षेत्र में रविवार शाम उपद्रवियों ने अचानक पुलिस पर पथराव करना आरंभ कर दिया। उपद्रवी भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायर करना पड़ा, जिसके बाद भी पुलिस पर पथराव जारी रहा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ हल्का बल प्रयोग कर हालात पर काबू पाया। पुलिस पर हुए पथराव के बीच सीएसपी शेष नारायण तिवारी और मोंघर थाना टीआई अनिल शर्मा ने भीड़ के बीच घुसकर उसे तितर बितर किया। पथराव की घटना में वहां से गुजर रहे लोगों और पुलिस जवानों को भी चोट आई, जिसके बाद कलेक्टर अभिषेक सिंह और एसपी नवनीत भसीन ने मौके पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया। इस घटना के बाद नगर के हालात तेजी से सामान्य हो गए, लेकिन देर रात उपद्रवी तत्वों ने जलेबी चौक पर फिर पथराव किया। शहर में बढ़ते तनाव को देखते हुए असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए जिले में रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है। घटना के दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के नेतृत्व में रैपिड एक्शन फोर्स ने नगर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि जो भी शहर की फिजा बिगाड़ने का प्रयास करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक ने शहरवासियों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, शहर में शांति का माहौल है।